तो दोस्तों कल सब एलर्जी लखनऊ के फैन यही बोल रहे थे कि केएल राहुल को नमस्कार है कि केएल राहुल आउट हो गए तब इतना बड़ा स्कोर बन पाया। लेकिन केएल राहुल अगर खेलते तो शायद और ज़्यादा रन बनते या फिर 200 ही बनते हैं। तो ये तो देखना पड़ेगा कि केएल राहुल आने वाले मैचों में कैसा खेलते हैं। और एवरी लखनऊ फैन राइट नाउ और गौतम गंभीर मोहब्बत लुटाऊंगा आरसीबी को हराऊंगा आरसीबी का रिकॉर्ड कब तोड़ पाऊंगा। तो ये गाना गा रहे होंगे कल एलएसजी और गौतम गंभीर की रिकॉर्ड टूटते टूटते बचा 263 रन का 263 का जो रिकॉर्ड था वो बच गया है। और कल स्टॉइनिस का बल्ला चला माशाल्लाह, कल मारे स्टॉइनिस ने बढ़िया करके छक्के चौके। जय श्री कृष्णा दोस्तों, तो आप सभी लोग का स्वागत है एक बार फिर अमित जोशी एजे व्लॉग्स पे फनी और हॉनेस्ट रिव्यू में। और कल था लखनऊ वर्सेस पंजाब का मैच जिसमें लखनऊ ने धुआंधार पारी खेली, हर बैट्समैन ने आके लगाए छक्के तो किसी ने लगाए चौके। तो ये देखना होगा कि कल हाईएस्ट स्कोर जो था वो टूटते टूटते बचा था। आरसीबी ने 263 रन बनाए थे और लखनऊ ने कल बनाए 257 रन। तो रिकॉर्ड तो बच गया लेकिन 257 रन बहुत होते हैं। भले ही चेस करते हुए पंजाब ने 201 रन बनाए लेकिन मैच लखनऊ आराम से जीत गई थी, जिसमें हीरो रहे मार्कस स्टॉइनिस जिनने बहुत बेहतरीन 72 रन की पारी खेली। उसके अलावा मायर्स ने स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी पारी खेली, राहुल कल नहीं चले, आयुष बदियानी ने अच्छा खेला, लास्ट में आके निकोलस पुरन ने जो 44 रन की पारी खेली उसके बदौलत लास्ट में लखनऊ ने बनाए 257 रन। तो दोस्तों उसके बाद आई पंजाब की बैटिंग। पंजाब की बैटिंग में वो धार नहीं दिखी और शिखर धवन स्टार्टिंग में आउट हो गए और उसके बाद आए तावड़े जिन्होंने काफ़ी अच्छी बेहतरीन 66 रन की पारी खेली और अपनी टीम को वापसी कराई। और पपसिमरन को इम्पैक्ट प्लेयर भेजा था लेकिन वो आउट हो गए, लेकिन सिकंदर रजा ने काफ़ी अच्छी 34 रनों की पारी खेली। और देखा जाए तो पंजाब में हर किसी ने अच्छा खेला, जैसे कि आप देख सकते हैं जितेश शर्मा ने अच्छी पारी खेली, लेकिन छोटी छोटी पारियाँ थी शंकरन लिविंगस्टन सिकंदर रजा जो मैच जिता नहीं सकी और 201 ही रन बना पाई पंजाब। अगर पंजाब को इस प्लेऑफ में बना रहना है तो पंजाब को काफ़ी अच्छा खेलना होगा और उसी के साथ पंजाब को लगातार अब मैच जीतने होंगे अगर प्लेऑफ की रेस में बना रहना है। आने वाले मैच ऐसे रोचक होंगे, आप लोग ऐसे मेरे रिव्यू में बने रहिए और आप बताते रहिए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। रोज़ मैं कहता हूँ कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए और ऐसे ही इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपका दोस्त एंड होस्ट अमित जोशी एजे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।